श्रीमान् वेङ्कटनाचार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदाहृदि श्रीनिगमान्तमहादेशिक आचार्यश्रेष्ठ कवितार्किकसिंह एवम् अनेकबिरुदालङ्कृत् स्वामी से रचित स्तोत्र ग्रंथों का संग्रह अत्यद्भुत विराजमान है उन स्तोत्र, स्तोत्रों में से लक्ष्मी जी की स्तुति रूपी जो श्री स्तुति है वो विश्वविख्यात है जैसे हयग्रीव स्तोत्र के लिए प्रसिद्धि है ज्ञानप्रदात्री देवता हयग्रीव हयग्रीव भगवान के ऊपर प्रणीत है उसी प्रकार धन की अधिदेवता के रूप से प्रसिद्ध लक्ष्मी जी की स्तुति के रूप से प्रसिद्ध जो श्रीस्तुति है ये भी अत्यंत प्रसिद्ध है श्री वैष्णव संप्रदाय में स्तोत्र साहित्यों में अनेकानेक लक्ष्मी जी संबंधी स्तुतियाँ उपलब्ध हैं उसमें इंद्रकृत लक्ष्मी स्तुति पुराणों में प्रसिद्ध है एवं महर्षियों से अनेकानेक महर्षियों से प्रणीत सहस्रण प्रणीत लक्ष्मी सहस्रनाम इत्यादि भी पुराणों में उल्लिखित है संहिता ग्रंथों में भी पांचरात्र संहिता ग्रंथों में भी ऐसे अनेकानेक स्तोत्र लक्ष्मी जी संबंधी उपलब्ध हैं प्रकृति में आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो श्री पराशर भट्ट से लिखित श्री रत्नकोश अत्यंत प्रसिद्ध है जिसकी भी व्याख्या तमिल भाषा में प्रवचन के रूप रूप में दास ने किया है और श्रीगुण रत्नकोश का ही एक विकसित स्वरूप प्रकृत श्री ऐसा भी बोल सकते हैं अस्मत सिद्धांत रहस्यार्थों को लक्ष्मी जी संबंधी सिद्धांत रहस्यार्थों को प्रतिपादन करने में समर्थ ये ग्रंथ ये स्तोत्र रूपी ग्रंथ श्री वैष्णव संप्रदाय में सब वैष्णवों से नितराम अनुभाव्य है प्रकृति में दास के लिए इस स्तोत्र साहित्य का अर्थवर्णन करने का जो मौका मिला है उसे जरूर लक्ष्मी जी प्रसन्न होगी लक्ष्मी जी की कृपा पात्र हम सब श्रोता श्रोतृवर्ग एंड वक्तृवर्ग बोलने वाले सुनने वाले सब लोग पाएंगे इन इस स्तोत्र को ज़रूर अवश्य आप लोग बोलना दास का ये पूर्ण स्तोत्र भी पहले से ही वेब में उपलब्ध है इुण्णी विजय राघवन ऐसा आप डालेंगे तो संपूर्ण रूप से स्तोत्र साहित्य सब विशिष्टाद्वैत वेदांत में जितने भी स्तोत्र हैं उन सब का उसमें रिकॉर्डिंग उपलब्ध हो जाएगा उसमें ये श्री स्तुति का प्रारंभ हम अभी करने वाले हैं पहला श्लोक है श्लोक श्लोक का पदच्छेद, प्रत्येक पद का अर्थ और समूहरूपी अर्थ अपेक्षित व्याख्या इत्यादि एक-एक स्तोत्र के लिए बोलना अभी प्रकृत है पहला श्लोक बोलता हूँ मानातीत प्रथित विभवा मंगल मंगलाना वक्ष मधु विजयिनो भूषयती प्रत्यक्षाश्रविक महिम प्राचिनी प्रजाना श्रेय मूर्ति श्रेयम शरण प्रपद्ये सामान्यतः प्रपद्ये शब्द जो है उसे मैं आप आप आपका प्रपदन करता हूँ हे लक्ष्मी जी आपके चरणारविंद में मैं प्रपत्ति का अनुष्ठान करता हूँ अर्थात आश्रय करता हूँ ये अर्थ प्रपद्ये क्रियापद से मिलता है और उसके लिए विशेषण शरण्याम त्वाम प्रपद्ये सर्वलोक शरण्या सभी लोगों से आश्रयणीया सभी लोगों से वंदनीय जो है वो लक्ष्मी जी हैं और क्यों श्रेयो मूर्ति श्रेय प्रदात्री मूर्ति है द एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑस्पेशियसनेस ऐसा बोल सकते हैं अर्थात मंगलों का ही स्वरूप है श्रेयो मूर्तिम ऐसे रहने वाली अनन्य अन्यशरण अशरण और किसी का आश्रय नहीं लेते हुए अन्याश्रय नहीं करते हुए अशरण रण्यावाम प्रपद्ये ऐसा एक श्रेयो मूर्तिम त्वाम प्रपद्ये शरण्याम त्वाम प्रपद्ये श्रिय त्वाम प्रपद्ये अशरण अहम प्रपद्ये श्रेयो मूर्तिम प्रपद्ये श्रिय प्रपद्ये इत्यादि शब्दों का करेक्ट सही ढंग से प्रपद्ये शब्द के साथ क्रियापद के साथ अन्वय कर लेना और क्या क्या विशेषण इस श्लोक में है वो बाकी तीन पाद में देखेंगे तो वो श्रेयो मूर्तिम त्वाम मानातीत प्रति विभवाम शरण्याम प्रपद्ये मानातीत प्रति विभवाम ये बहुत ही मुख्य शब्द है इसलिए उससे ही श्लोक प्रारंभ हुआ है अदा इसका इसका मतलब है मान अतीत है। और कितनी प्रसिद्धि है लक्ष्मी जी का ये कोई मापदंड नहीं है मान यानी प्रमाण है इसके लिए कोई प्रमाण नहीं है स्केल नहीं है हम कोई गिन नहीं सकते हैं उनकी महिमा कितनी बड़ी है ये नहीं गिन सकते ऐसी चीज को श्री श्री स्तव में बोलते वक्त कूरतवान भी बोलते हैं आपको भी नहीं मालूम है आपकी महिमा कितनी है आपके साथी भगवान विष्णु को भी उनकी महिमा के बारे में कितना है ये मालूम नहीं है उनको ऐसा बोलते हैं पहले बोलकर एक प्रश्न उठाते हैं तब तो सर्वज्ञत्व तो चला जाएगा जब आपको कुछ मालूम नहीं है एक चीज नहीं मालूम है तो भी सर्वज्ञ तो चला जाएगा आपकी महिमा का अंत क्या है वो आपको नहीं मालूम है तब तो उत्तर देते हैं जो है उसी का तो अंत समझना जरूरी है जिसका अंत है ही नहीं उसका अंत समझकर क्या वो दोषी बने इसलिए है ही तो उसका उसके बारे में जानना है नहीं है तो उसके बारे में क्यों जानना है इसलिए उनकी महिमा की कोई सीमा उनको ही नहीं मालूम है क्योंकि महिमा की सीमा नहीं है अगर कोई ये आकाश गगन कुसुम है ऐसा समझ लेगा तो उसको लोग मूर्ख बताएंगे क्योंकि आकाश कुसुम नहीं है नहीं है ऐसे पदार्थ को समझकर मूर्ख बने क्या इसलिए नहीं पदार्थ को नहीं समझना अभाव पदार्थ को न समझना ही उचित है इसलिए आप दोनों अपनी महिमा की सीमा को नहीं जानते हैं क्योंकि आपकी महिमा की सीमा नहीं है ऐसा बहुत सुंदर ढंग से उत्तर देते हैं उसी प्रकार इधर मानातीत प्रतीत विभवाम प्रमाण अतीत है मान यानी क्या है उसका कितना बड़ा ऐसा प्रश्न का जो उत्तर है वो मान है अभिमान अलग है प्रमाण अलग है मान अलग है मानातीत अतीत यानी कितना बड़ा ऐसा नहीं बोल सकते हैं उससे दूर हो गया है ये विषय ऐसा जो प्रतित है, प्रसिद्ध विभवाम वैभव जिसका जिस लक्ष्मी जी का जो वैभव है उसकी कोई सीमा नहीं है अपार महिमा है ऐसा मतलब को सम हम लोगों को बोधित करने के लिए मनातीत प्रति विभवाम ऐसा शब्द को बोलकर उसी शब्द से प्रारंभ करते हैं लक्ष्मी जी का वाचक शब्द है माँ माँ से ही शुरू करते हैं इस ग्रंथ का महत्व है माँ से शुरू करने से लक्ष्मी जी का नाम उल्लिखित है माँ रमा माँ माँ भी लक्ष्मी जी का सूचक है इसलिए माँ नातीत प्रथित विभवाम मंगलाना मंगलम जो मंगलकर वस्तु है उन सबका मंगलत्व आपादक लक्ष्मी जी स्वयं है जैसे भगवान कहते हैं यद्य सत्वम श्रीमदूर्जित वा तत्द अवगत मेजोशसंभवम ऐसा उसी प्रकार जो कोई भी चीज मंगलमय है अत्याश्चर्यमय है वो लक्ष्मी जी की वजह से है मंगलानाम मंगलत्व आदक मंगलमय वस्तुओं का मंगलत्व का आपादन करने वाला तत्व है लक्ष्मी जी हैं मंगलानाम मंगलम मंगला <coughs> माँ से शुरू किए हैं फिर से माँ किए हैं फिर से भी माँ किए हैं अलिटरेशन मेंटेन करते हैं माँ नतीत प्रथित विभव मंगलम मंगला नाम ऐसा सौंदर्य को शब्द सौंदर्य को भी लाना है अर्थ सौंदर्य को भी लाना है कवियों को इसलिए दोनों सौंदर्य जहाँ पुष्ट है वहाँ ही एक सुंदर काव्यत्व प्रतिष्ठित रहता है वक्ष पीठी मधु विजयिनो स्वकांत्या ऐसा द्वितीय लाइन है इसमें मंगलाना मंगलम ताम प्रपद्ये वहाँ भी मंगलाना मंगलम ताम प्रपद्ये मनातीत प्रसिद्ध विभवाम ताम प्रपद्ये उसी प्रकार स्वंत्या मधु विजयिन्हा वक्षीम भूषयतीं प्रपद्ये ऐसा अन्वय करना है अर्थात क्या मतलब है स्वकांत्या अपनी निज कांति से अपनी तेजस से तेजपुंज से मधु मधु नामक राक्षस को के ऊपर विजय पाने वाला मधु विजयी मधु शब्द है विजयी विजयिन विजयिष्टी विभक्ति में भी विजयीन ही आएगा जो द्वितीय विभक्ति बहुवचन में आएगा वही षष्ठी विभक्ति एकवचन में आएगा हलंत शब, शब्दों का स्वभाव है मधुविजयी मधुविन मधुविजयन विजयिन मधु विजयिन आदे वही मधुविजयन मधुविजयनो मधुविजयन षष्ठी विभक्ति षष्ठी विभक्तिकवचन है मधुविजयन अर्थात भगवता नारायण से ऐसा मतलब है षष्ठी है तो शब्द का षष्ठी विभक्ति नारायण से ऐसा मतलब नारायणस्य वक्षपीठी उनका वक्षस्थल अर्थात श्रीवत्स नामक जो वक्ष में स्थान विशेष है उस स्थान को स्वकांत्या भूषयतीम अपनी निज कांति से भूषित कर रही है भूषयती भूषयंत्यौ भूषयंत्या भूषयतीम द्वितीय विभक्ति क्योंकि ताम का विशेषण है भूषयंतीम त्वाम शरण्याम त्वाम प्रपद्ये में अन्वय है अर्थात कैसे अन्वय है स्वकांत्या मधुविजयिन वक्षपीठी भूषयती प्रत्यक्षा अनुश्रविक महिमा प्रार्थिनी प्रजा प्रत्यक्ष अनुश्रविक महिमा प्रार्थिनी ऐसा शब्द है प्रत्यक्ष यानी ऐहिक विषयों को भी हम चाहते हैं आनुश्रविक श्रुति सिद्ध स्वर्गाियों को भी हम चाहते हैं ऐसे प्रत्यक्ष आनुश्रविक महिमा ऐसे जो महित वस्तुओं को प्रार्थनी नाम क्योंकि महिमा महित शब्द है महिमा शब्द है ऐश्वर्य अर्थात प्रत्यक्ष सिद्ध ऐश्वर्य है इस दुनिया में हम जो प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं ऐसे ऐश्वर्य है अनुश्रविक है श्रुति सिद्ध इस दुनिया में नहीं है दूसरे लोक में हमें मिलने वाला मोक्षादि जो सुख है उन दोनों को प्रार्थनी नाम प्रार्थना करने वाले जो प्रजा नाम प्रजाओं को श्रेयो मूर्ति और उन सबको श्रेयस श्रेयस के रूप से श्रेयस ही एक उनका स्वरूप जैसा विराजमान है अर्थात प्रार्थिनी प्रार्थिनी नाम प्रजा श्रेयो मूर्ति प्रार्थना करने वाले प्रजाओं के लिए वो अवश्य देने के लिए ही श्रेयस की मूर्ति के रूप से अर्थात श्रेयश्च प्रेयच्च मनुष्य में तौसरी विनक्ति धीर प्रेयोधी प्रेसोवृीते श्रेयोधी प्रेयसोवृणीते प्रेयो मंदो योगे वृणीते ऐसा जो प्रेयस है और श्रेयस है उसमें श्रेयस को ही हम चाहना है क्योंकि मोक्ष इत्यादि है प्रेयस ऐहिक है परंतु लक्ष्मी जी श्रेय मूर्ति के रूप से विराजमान है इसलिए मोक्षांत साम्राज्य को देने के लिए तत्पर है ऐसे ऐहिक आहिक आमुष्मिक फलों को चाहने वाले लोगों को ऐहिक को भी देकर और आमुष्मिक को भी देने के लिए तत्पर होने वाली जो श्रेयस की मूर्ति के रूप से इसलिए विराजमान जो लक्ष्मी जी हैं उनको शरण्याम शरण्या शब्द का मतलब है जो उनके आश्रय लेते हैं उन सबको पालन करने वाली ऐसा शरण्याम श्रियम तवाम अशरणहा दूसरी जो भी गति नहीं है मेरे लिए दूसरी रास्ता नहीं है ऐसा प्रपद्ये प्रपदन करता हूँ शरणागति करता हूँ प्रपत्ति शब्द जहाँ भी आता है रामानुज संप्रदाय का जो बहुत मुख्य शब्द है और संप्रदायांतरों में अलग अलग शब्दों से बोलते हैं परंतु हम अपने असाधारण शब्दों को कभी भी दूसरे शब्दों के रूप से परिणत नहीं करना चाहिए इसलिए हम प्रपत्त्ये का मतलब है प्रपत्ति का अनुष्ठान करता हूँ उनका आश्रय लेता हूँ उनके चरणों में आश्रय लेता हूँ शरण्या है सर्वलोक शरण्या है सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने ने वहाँ शरण्य शब्द भगवान के लिए प्रय प्रयुक्त है यहाँ शरण्याम लक्ष्मी जी के लिए भी प्रयुक्त है यथा सर्वगतो विष्णु तथे वेयम द्विजोत्तम है जैसे विष्णु हैं वैसे ही लक्ष्मी जी भी हैं सर्वगत हैं ऐसा विष्णुपुराण कहता है इसलिए लक्ष्मी जी का विष्णु भगवान का कितना भी महिमा है उतनी ही महिमा लक्ष्मी जी के लिए भी है वो भी विभु है ये भी विभू हैं ऐसा वर्णन था सर्वगतो विष्णु यम द्विजोत्तम ऐसा वाक्यों से लक्ष्मी जी का विभुत्व इत्यादि भी स्थापित है इसलिए ऐसे शरण्याम प्रपद्ये शरण्या शब्द से भगवान सर्वलोक शरण्य हैं उसी प्रकार ये भी शरण्या है अर्थात दोनों में कोई अंतर नहीं है दंपती दैवतम नहा ऐसा वेदांशिक अन्यत्र बोलने वाले हैं वो सब भी हम देखने वाले हैं सो so, इस श्लोक का संपूर्ण भाव यह है अर्थात अत्यंत प्रमा प्रमानातीत जिसकी महिमा है और जिसका मापदंड कोई नहीं है जिसकी महिमा के लिए और मंगलकर वस्तुओं का मंगलत्व आपादक जो लक्ष्मी जी हैं और अपने कांति से मधुविजयी जो भगवान है विष्णु हैं उनकी वक्षपीटीम वक्षस्थल को भूषयंतीम अलंकृत करने वाली सुशोभित करने वाली है प्रत्यक्ष आनुश्रविक महिम प्रार्थिनी नाम प्रजानाम श्रेय मूर्ति प्रत्यक्ष आहिक आहिक एवं आमुष्मिक पुरुषार्थों को चाहने वाले जो प्रजा हैं उन सबको श्रेयस्कर मूर्ति है वैसे श्री लक्ष्मी जी हैं ताम तुझे शरण्याम सभी लोगों से लोगों से आश्रेणी जो है ऐसे तुझे प्रपद्ये प्रपत्ति करता हूँ तुम्हारे चरणारविंद में प्रपत्ति का अनुष्ठान करता हूँ ऐसा इसका मतलब है फिर से एक बार श्लोक को भाव के सा पडेङ्गे मानातीतप्रथितविभवां मङ्गलं मङ्गलानां वक्षःपीठीं मधुविजयिनो भूषयन्तीं सुकान्त्या प्रत्यक्षानुश्रविकमहिमप्रार्थिनीनां प्रजानां श्रेयो मूर्तिं श्रियमशरणस्त्वां शरण्यां प्रपद्ये कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिनी श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः